नमस्कार, मैं राजू सर, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज़। यूपी के बुलंदशहर में मोहब्बत के दुश्मनों ने प्रेमिका की गला दबाकर पहले हत्या की और फिर शव को जला डाला। पुलिस ने प्रेमिका की हत्या कर जलाने के आरोप में प्रेमिका के दादा सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है और नाबालिग प्रेमिका को अगवा करने के आरोपी प्रेमी को भी जेल भेज दिया है। यह तस्वीर है बुलंदशहर के आहार थाना क्षेत्र के गाँव औरंगाबाद ताहरपुर की रहने वाली 16 साल की छात्रा पिंकी की, जिसके उसके ही दादा ने अपने एक साथी के साथ मिलकर सिर्फ इसलिए हत्या कर डाला क्योंकि पिंकी गांव के ही एक युवक कैलाश से बेपना मोहब्बत करती थी। क्यों मारे तुमने लड़की? लड़की साहब बच्चरन थी, लड़का गलत तरीके थी, बतरी समझाई न समझी, फिर मैं काम में धरा, हाथ बुद्धि रे सब काम करे, शादी करने की कहती कि इतना मैं तो नहीं मानी, फिर हमारा गुस्सा जितने खाते मैं अपनी गला भेजे थे फौरन खत्म। क्या नाम है तेरा? कैलाश कुमार। अच्छा, क्या मामला था? लड़की तेरे साथ गई थी? हाँ सर, मेरे साथ गई थी। मैंने उससे सर बहुत मना करा, वो नहीं मानी, मुझे मजबूरी में वो लेकर जानी पड़ी, तो उसे लेकर जाके खेतों जाके एक बाग में रुक गए। रुकने के बाद शाम 6 बजे करीब में उधर से मेरे चाचा आए, चाचा ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसके लड़की घर वालों को फ़ोन करा, फ़ोन करने के बाद उसके बाबा आए, हरगा बाबा और भोलू बाबा, फिर उन्हें आने के बाद उनको लड़की सौंप। 27 अप्रैल को आहार थाना क्षेत्र के औरंगाबाद तिहार गांव की एक महिला द्वारा थाने पर उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसकी नाबालिग लड़की को गांव के ही एक युवक द्वारा 23 तारीख को भगा ले जाया गया है। इस संदर्भ में 363 IPC का मुकदमा दर्ज करके विवेचना प्रारंभ की गई, तो यह ज्ञात हुआ कि पीड़िता के रिश्ते के ही एक दादा और गाँव के एक अन्य युवक ने पीड़िता की दुपट्टे से उसके गला घोटकर हत्या कर दी और उसके शव को गंगा जी के किनारे ले जा करके बाग में जला दिया और अवशेषों को गंगा जी में बहा दिया। इस संदर्भ में दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है तथा पीड़िता को बाला फुसला कर ले जाए जाने वाले युवक की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाए। बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट।